ढोल ताशा और धूम धड़ाका वही है, उसके आगे तो मार्केट में कुछ है नहीं। और मार्केट में अगर आतिशबाजी हो रही है वो मंदी की तरफ हो रही है। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो एक्चुअल सेंटिमेंट दिख रहा है आज त्योहार का, उस कोविड के बाहर आने के बाद ये पहली दही हंडी है जो धूम से मनाई जा रही है। और विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी दादर में है, ऑन ग्राउंड है इस पूरे जश्न के माहौल में। विवेक बताइए, एक तो कोविड के बाद ये पहली दही हंडी, ट्रैफिक के तो हाल छोड़िए, ऑन ग्राउंड कितना एक्शन है, कितना एक्साइटमेंट, क्या देख रहे हैं? कुछ लोगों ने पैसे बनाए हैं कि नहीं? दही हंडी कुछ टूटती देखी आपने कि नहीं आज? बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए, आप दही हंडी के इस समय इनाम राशि भी इतनी ज्यादा है कि लोग जोर से जुनून अपने आप बढ़ गया है ना। मैक्सिमम मार्केट में पूरे मुंबई और आसपास के इलाकों में 21 लाख रुपए इनामी राशि रखी गई, तो सबसे ज्यादा इनामी राशि है। इस समय हम मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना भवन में है, और ये जो दही हंडी आप स्क्रीन पर देख रही है वो शिवसेना की निष्ठा दही हंडी है। और जिस तरीके से 2 साल बाद यानी कि नई सरकार ने पूरी तरीके से हटा दिए हैं, जिस तरीके के बाद कोविड वैक्सीन हटने के बाद जोश और जल्लोश दोनों चीज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गोविंदा है, जो अलग अलग पद है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और मुंबई के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वोट भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरे से पीछे से पढ़ता हूँ, देखिए किस तरीके से जो ट्रेन है, ट्रेन को बकायदा यहाँ से सजाया गया है, पूरी तरह से सजाया गया है, ट्रेन को मैक्सिमम हाइट तक ले जाया गया है। और वहाँ पे आप जो फूलों से सजी हुई देख रहे हैं वो दही हंडी है, और उसे दही हंडी को तोड़ने के लिए मुंबई और आसपास के इलाकों से अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दही हंडी को फोड़ी जा सके। हालांकि हाइट काफी ज्यादा है, 60 फीट के हाइट के आसपास ये दिख रही है, जिसकी तकरीबन 9 से 10 थर, थर का मतलब होता है जो ह्यूमन पिरामिड बनता है, उसमें जो फ्लोर्स होते हैं उसको महाराष्ट्र में थर बोलते हैं, तो ह्यूमन पिरामिड के हिसाब से 9 थर लगनी चाहिए, लेकिन अभी जो मैक्सिमम थर यहाँ पे लगे हैं वो 7 थर लग चुके हैं। तो यानी कि शाम तक रात के 10 बजे तक ये आयोजन चलता रहेगा इसी तरह से, और कोशिश की जाएगी कि मुंबई और आसपास के इलाके से जो भी ग्रुप और जो मंडल आते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि 9 थर बनाकर इस हंडी को तोड़ी जा सके। अगर हम मुंबई के ओवरऑल की बात करें तो मुंबई के वर्ली इलाके हुआ या फिर मुंबई के आसपास जो थाने इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरीके का जोश और जल्लोश देखा जा सकता है, क्योंकि 2 साल बाद हर्षदा इस पर्व को, जो बहुत एक्साइटमेंट वाला पर्व होता है, एक तरीके से स्पोर्ट्स जैसा पर्व होता है, उसको मनाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कोविड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र सरकार की जो नई सरकार है उन्होंने सारे कोविड रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं, तो कोविड का कोई डर भी नहीं है, नहीं रेस्ट्रिक्शन कोई डर है। इसलिए इस पर्व में लोग बहुत जोश से आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से दही हंडी फोड़ सके। लेकिन मैं आपको जो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये एक और ह्यूमन पिरामिड बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 तरीके के पिरामिड होते हैं, अगर आप मैक्सिमम पिरामिड बना लेंगे और सैल्यूट करते हैं तो उस पर भी आपको इनामी राशि मिलती है, और दही हंडी फोड़ देंगे तो ऑब्वियसली उस पर इनामी राशि बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए किस तरीके से ह्यूमन पिरामिड बनती है। नीचे जो लोग होते हैं वो सबसे बड़ा एक बेस बनाते हैं, अपना मजबूत बेस बनाते हैं, ताकि लोग उनके ऊपर पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो गिरे नहीं। और यही कोशिश की जाती है कि जब 60 से 8 थर बड़े लोग के ऊपर पहुँचते हैं तो ये थर गिरे नहीं, और हमेशा जो छोटा गोविंदा होता है तो एक उम्र में सबसे छोटा होता है उसको सबसे आखिरी में ऊपर चढ़ाने की। दही हंडी जैसे विवेक बता रहे हैं, और ये बढ़ा वीरू क्या लग रहा है, होगा ऊपर कि नहीं? उन्होंने कहा 7 थल अब तक बन चुके हैं। अरे कैमरा पर्सन को बोलना चाहिए उसी के साथ रहे, वो तस्वीरें काफी खूबसूरत थी। अब इस बार ये और अटेम्प्ट करेंगे या नहीं वो देखना जरूरी है। ये देखिए कितना, 1 2 3 हो गया, 4 वीरू, 5 अब पांचवा लड़का होगा खड़ा। चलिए ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हो जाएगा इस बार, हो जाएगा, है ना? मेरे को तो लग रहा है। अरे अरे चलो 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 चलो, अरे गया, कोई नहीं। लेकिन लेकिन इस त्योहार का मजा यही है कि जितना आप बनाते जाओ उतना बैलेंस का पूरा खेल होता है। विवेक बहुत बहुत शुक्रिया, काफी इंटरेस्टिंग विजुअल्स, और इनफैक्ट इसको देखने में बड़ा मजा है, इनफैक्ट टीवी पर देखने में ज्यादा मजा है आजकल। शुक्रिया विवेक, आपसे शायद आगे दिन के दौरान भी बातचीत होगी। लेकिन 21 लाख तक की राशि मैंने सुनी, इनफैक्ट वीरू कल रेडियो पे मैं सुन रही थी 51 लाख की भी दही हंडी है कहीं पे बॉम्बे में। 51 लाख के, गजब गजब गजब। अब ठीक है, देखिए 2 साल शांति रही हर्षदा, और कोविड के चलते कोई अगर आप देखें कुछ कर तो पाया नहीं,
तो इस बार बड़े थ्रस्ट के साथ पूरे पुरजोर तरीके से दही हांडी वापस आया, तो उसको स्वागत करना चाहिए। 51 लाख का 1 करोड़ भी होता तो भी करा दुखी बड़ी बात नहीं थी। 2 साल जो मनी डेडलॉक पड़ी रही, मेरे ख्याल से वो आज वापस आ रही है। खैर, अच्छे बिजनेस थे डायरेक्टर साहब, अगर एक बार वो बिजनेस दोबारा दिखाने को मौका मिले दिखाइएगा, यहीं बैठ के ही सही वो बिजनेस देख लेंगे एक बार। सही कहते हैं हर्षदा, बड़ा मजा आता टीवी पे देख के उसको। खैर, इंडेक्स थोड़ा सा स्थिर हुआ है, करीब करीब 17784 पर। अभी एक ट्रेड चेक मैं ले लेता हूँ, उसके बाद अगर आप देखें तो थोड़ा सा कुछ और ट्रेड्स पे जाएंगे। लेट्स ब्रिंग सन टीवी आपकी स्क्रीन पे, मीडिया स्पेस में, और आई थिंक जो ओआई एडिशंस हुए हैं उसमें आज एक सब्सटेंशियल ओआई एडिशन सन टीवी में भी हुआ है। अभी जी एंटरटेनमेंट पे एक बाय कॉल आ रही थी,